तो आज हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है और उसकी अलग अलग टाइप्स हम देखेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सेकंड यूनिट है। उसके अंदर सेकंड सब टॉपिक आता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मीनिंग एंड टाइप्स। तो हम देखेंगे कि क्या होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसका मीनिंग क्या है, इसकी अलग अलग टाइप्स क्या है। तो जब मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करता हूं तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब है लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम में। सिंपल सा है, पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया लोगों का पार्टिसिपेशन अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। उसी को हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है participation and involvement of the people in the political sphere and its all related aspects and processes। कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, लोगों का पार्टिसिपेशन होना कहाँ पे, पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर और उसके रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, प्रोसेसेस हैं। मतलब कि पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उसके अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होना, उसको हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। लोग किस तरह से अपने देश की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि फ्रॉम सिंपल एक्ट ऑफ वोटिंग टू फॉर्मिंग ए पॉलिटिकल पार्टी। वोट करने से लेकर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना देना, उसको भी हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। उसके बाद क्रिटिसाइजिंग द एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेस्ट। पहले गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, फिर प्रोटेस्ट करना, इसको भी हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द रैलीज टू पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिव कैंपेनिंग। पहले तो रैलीज में पार्टिसिपेट करना, लेकिन फिर एक्टिवली खुद कैंपेन्स करना। मतलब कि पहले तो तुम जा रहे हो अलग अलग नेताओं की रैलीज में, उनका जलसा देखने, लेकिन बाद में क्या कर रहे हो, आप खुद ही रैलीज को कंडक्ट कर रहे हो, आप खुद ही कैंपेनिंग कर रहे हो किसी पॉलिटिकल पार्टी की। तो इस तरह से ये भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। उसके बाद फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू एक्टिवली इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इलेक्शन लड़ने से लेके पॉलिसी फॉर्मुलेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करना, मतलब कि इलेक्शंस लड़ना, जो पॉलिसीज बनती हैं देश के अंदर उसको इन्फ्लुएंस करना। उसके बाद टू टेक पार्ट इन डिबेट्स टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द लेजिस्लेचर्स एटस्ट्रा। डिबेट्स करना अलग अलग, या फिर MLAs और MPs के साथ सीधा बात करना। तो ये जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, इसी को हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर क्या आता है, वोट करने से लेके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने तक। वोट करते हो तो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पार्टीज बनाते हो तो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रैलीज में जाते हो वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, खुद कैंपेन्स कंडक्ट करते हो वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, प्रोटेस्ट करते हो वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करते हो वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्रिटिसाइज करते हो गवर्नमेंट को वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उसके बाद इलेक्शंस कंटेस्ट करते हो वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उसके बाद डिबेट्स करते हो वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, MLA और मंत्री से बात करते हो वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये सब होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। लेकिन जब हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अलग अलग देशों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि अलग अलग देशों के अंदर किस तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है, अलग अलग देशों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसी है। तो इसी तरह से हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अमेरिका, अमेरिका और चाइना, इन सब देशों को आपस में कंपेयर करके इनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये सब आता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के मीनिंग के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की टाइप्स देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या वो अलग अलग टाइप्स हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डायरेक्ट का मतलब होगा डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पॉलिटिक्स के अंदर। डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना पॉलिटिक्स के अंदर मतलब क्या है, जैसे कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, जैसे आप स्विट्जरलैंड की एग्जांपल लोगे ना, तो वहां पे लोग जो है वो खुद पॉलिसीज को बनाते हैं। वहां पे वो लोगों को चुन के पॉलिसीज नहीं बनाते, बल्कि वो डायरेक्टली खुद पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, खुद बैठकर खुद डिसीजंस लेते हैं, खुद पॉलिसीज को बनाते हैं। और बाकी कुछ देश हो गए जैसे अमेरिका जैसे देश, वहां पे लोग डायरेक्टली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जहां पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जैसे स्विट्जरलैंड, जहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन होता है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब हुआ कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उनको बेचते हैं ताकि वो लोगों के बिहाफ के ऊपर पॉलिसीज बनाएं, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हों। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, एमएलएस और एमपीस को चुनते हैं और वो लोग जो है हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम डायरेक्टली पॉलिसीज को नहीं बना रहे होते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चुने होते हैं वो हमारे प्रति अकाउंटेबल होते हैं, हमारे प्रति आंसरेबल होते हैं, मतलब हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, कैनेडा है, इन देशों में क्या होता है, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब हुआ लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, लोग यहाँ पे वोट करते हैं, लोग यहाँ पे इलेक्शंस लड़ते हैं, लोग यहाँ पे रैलीज में जाते हैं, लोग यहाँ पे कैंपेन्स करते हैं, लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, लोग यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं, लोग जहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखते हैं, लोग जो है वो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाएगी इसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और बड़े विजिलेंट होते हैं अपनी पॉलिटिक्स को लेके और बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। आपको पता ही होगा ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा होता है अमीर देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में, जो बेस्ट की कंट्रीज हैं, जो अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जो लिबरल हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम्स हो गया, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज हो गई और उसके बाद फ्रांस जैसी कंट्रीज हो गई यूरोप के अंदर। तो इन कंट्रीज में क्या होता है, पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स। उसके बाद फोर्थ हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं इनएक्टिव और पैसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इनएक्टिव या फिर पैसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, इनएक्टिव जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। जिन भी देशों के अंदर इनएक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है ना, उन देशों के अंदर लोगों को कोई नॉलेज नहीं होता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम का, या फिर उनको बहुत कम नॉलेज होता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम का, या फिर उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। क्या होता है, इनएक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम का, पॉलिटिकल प्रोसेस का, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, पॉलिटिक्स का, तो इसलिए लोग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ऐसा उन सोसाइटीज़ के अंदर होता है जो अभी गरीब सोसाइटीज़ हैं, जो अभी अंडर डेवलप्ड देश हैं, वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम का, या फिर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बाद में देखेंगे राजनीति। उसके बाद इसके अंदर फिफ्थ आता है लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। लेजिटिमेट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मतलब कि पीसफुल तरीके से। लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया कि लोग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन एक लेजिटिमेट तरीके से, मतलब एक पीसफुल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। वो लोग क्या कर रहे हैं, लीगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो प्रोटेस्ट ऐसे नहीं करते कि जिससे जो है वो वायलेंस हो जाए, दंगे फैल जाएं, वो बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, वो हंगर स्ट्राइक्स करते हैं, वो मेमोरेंडम्स देते हैं, वो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि पूरे समाज के अंदर क्योस या फिर दंगे फैल जाएं। तो यहाँ पे वो लीगली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है उसी के हिसाब से जो है पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। तो यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पीसफुली यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर या फिर पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है इलेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये लेजिटिमेट का बिल्कुल उल्टा हो गया। इलेजिटिमेट हो गया जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हो। इसमें क्या होता है, लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करते हैं, असंवैधानिक तरीके से करते हैं, मतलब कि वायलेंस करते हैं, खून रेजी करते हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। उसके बाद इसके अंदर टेररिस्ट आतंकवादी बन जाते हैं, इसके थ्रू जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद इसके अंदर मिलिटेंट जैसे टैक्टिक्स को जो है अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं। इसमें हमें अक्सर देखने को मिलता है जैसे नक्सलाइट हो गए, वो क्या करते हैं, वो काट देते हैं, मार देते हैं, पुलिस वालों को मार देते हैं। इस तरह से वो पावर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, राइट। उनको अगर सत्ता में आना है तो वो सत्ता में प्रधानमंत्री को ही मार देंगे, पूरे समाज के अंदर दंगे फैला देंगे, पूरे समाज के अंदर जो है राइट्स करेंगे। तो इस तरीके से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी जो है पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा खालिस्तानी जो है, वो खालिस्तानी क्या करते हैं, उनको अपना देश चाहिए, तो वो भी एक पॉलिटिक्स है। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, किससे, वायलेंट तरीके से। तो इस तरीके से इसको इलिजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। बूथ कैप्चरिंग करते हैं, खुद को जिताने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बूथ को ही कैप्चर कर लेते हैं। मतलब कि जहां पे बोर्ड हो रहे हैं वहां के बोर्डों को ही कैप्चर कर लेंगे, उनको चुरा देंगे और उसमें गड़बड़ी कर देंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते वक्त, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट होते वक्त। तो इसको हम इलिजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इंस्ट्रूमेंटल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ कि आप पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हो क्योंकि आपके कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं इसलिए राजनीति के अंदर जा रहा हूं, मैं इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूं क्योंकि मेरे कोई गोल्स हैं, मुझे कुछ अपने गोल्स को अचीव करना है, मेरे कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहा हूं, इसलिए मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मेरे क्या गोल्स हो सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। हो सकता है मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, ये भी हो सकता है कि मुझे पावर चाहिए, ये भी हो सकता है कि कोई मेरा अपोजिशन का कैंडिडेट बड़े देर से पावर में है, मैं उसको हराना चाहता हूं इसलिए मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसके तहत लोग जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस चीज को हम इंस्ट्रूमेंटल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं, जिसके अंदर लोग जो है वो प्री डिटरमाइंड गोल्स लेके जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लेके जाते हैं अपने दिमाग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट 8th इसके अंदर हम बात करते हैं एक्सप्रेसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। एक्सप्रेसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमने इंस्ट्रूमेंटल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर देखा कि लोगों के प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, लोगों के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने के। लेकिन एक्सप्रेसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर लोगों का कोई डेफिनेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके मन में कोई ऐसा गोल नहीं होता है कि वो किस लिए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्सप्रेसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, लेकिन उनके मन में, उनके दिमाग में कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है कि वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा बड़ा रेयर केसेस में होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ होता है कि उनको कुछ करना है, इसलिए वो पार्टिसिपेट करते हैं। किसी को पावर की भूख होती है, किसी को जो है सोशल सर्विसेज करनी है, किसी को जो है किसी को हराना है। तो ये गोल्स होते हैं हर इंसान के दिमाग में कि क्यों वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता क्यों कर रहे हैं। तो बड़ा रेयर केसेस ऐसे होते हैं, बड़े कम लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उन देशों के अंदर जो है प्रैक्टिस होती है। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उन देशों के अंदर होती है जो देश काफी अमीर है, जो देश काफी डेवलप्ड है, जो देश जो है डेमोक्रेसीज हैं, जैसे कि अमेरिका। यहाँ के लोग क्या समझते हैं, यहाँ के लोग एक मॉरल ड्यूटी समझते हैं, अपना एक फर्ज समझते हैं या फिर लीगल ड्यूटी समझते हैं कि उनको वोट करना है, उनको जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, उनको जो है पॉलिटिकल अपडेट्स के बारे में इंफॉर्म्ड रहना है, उनको जो है ये जानना है कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या नई पॉलिसीज बन रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है, सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो इस तरह से हर चीज के बारे में वो लोग इन्फॉर्म्ड रहते हैं और इसको वो अपनी ड्यूटी समझते हैं, इसको अपना फर्ज समझते हैं वो लोग, या फिर लीगली अपनी एक ड्यूटी समझते हैं। तो इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को हम बोलते हैं कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उसके बाद इसके अंदर आती है अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पार्टिसिपेशन किस तरह से की जाती है। इसके अंदर लोग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे, साइनिंग पेटिशंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये पेटिशंस साइन करते हैं। पेटिशंस हो गया, गवर्नमेंट को जो है वो एप्लीकेशन साइन करके देते हैं, या पेटिशंस होती हैं जैसे कि मेमोरेंडम के थ्रू या फिर लिखित में कुछ साइन करके जो है अलग अलग लोगों के सिग्नेचर लेके उसको गवर्नमेंट को देते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है वो उस एक्ट को, जब कोई लॉ बनाया है उसको, लॉ को रोक दे, उसको जो है इन्फोर्स ना करे। उसके बाद ये लोग जो है बाइकॉट एक्ट इसको अडॉप्ट करते हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर कोई फलानी स्कीम लाई है, कोई पॉलिसी लाई है, तो हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, बाइकआउट कर देंगे। ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है, इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू जो लोग पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को हम अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। इसको जो है इलीगल तो नहीं माना जाता है, लोग कर सकते हैं, पेटिशंस को साइन कर सकते हैं, बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक इनएप्रोप्रिएट माना जाता है, इसको सही भी नहीं माना जाता है कि आप बाइकआउट ही कर दो गवर्नमेंट का लॉ। तो इस तरह से ये जो है अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। उसके बाद वुडवर्ड एंड रोपर चार और अदर टाइप्स देते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। वुडवर्ड और रोपर जो है वो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये हमें चार और टाइप्स देते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। वो क्या चार और टाइप्स हैं? सबसे पहले वो कहते हैं, एक होती है वेरी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। वेरी एक्टिव के अंदर क्या आता है, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है, यहाँ पे लोग बड़े एक्टिव होते हैं अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे लोग हर चीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर ये लोग पावर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं, पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटीज को वॉच करते हैं। तो इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं ये लोग अपने पॉलिटिक्स के अंदर, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इसलिए इनको वेरी एक्टिव कहा जाता है। उसके बाद सेकंड वो इसके अंदर बात करते हैं एक्टिव। एक्टिव की जब मैं बात करता हूं, यहां पर भी लोग जो है अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। इन लोगों को भी हर किसी चीज का पता होता है, हर चीज जानते हैं, ये वोट करते हैं, ये जो है कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के सारे अपडेट्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं एक्टिव वाले, ये ज़्यादा पावर कैप्चर करने के लिए या फिर इलेक्शंस के अंदर खुद पावर हासिल करने के लिए ज़्यादा ये जो है कोशिश नहीं करते हैं। बाकी ये लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है इनएक्टिव। इनएक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब हुआ वो लोग जो एवरेज नॉलेज रखते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ये लोग जो है इलेक्शंस में वोट कर देते हैं एक बार, और उसके बाद ज़्यादा कुछ खास करते नहीं है। तो ये साल का एक दो बार जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद घर में बैठ जाते हैं। इनको ज्यादा आउटपुट और इनपुट्स का पता नहीं होता है, ये लोग ज्यादा नहीं जानते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना है, किस तरह से प्रोटेस्ट करने हैं, किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जो है वो देखना है, क्लोजली वॉच करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसको ये कम जानते हैं। बाकी एवरेज नॉलेज रखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, वोट कर देते हैं 4-5 साल के बाद। उसके बाद इसके अंदर आता है वेरी इनएक्टिव। वेरी इनएक्टिव का मतलब हो गया लोग कुछ जानते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ये जो लोग हैं इनके पास कोई नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इलेक्शंस के बारे में। ये लोग जो है बड़े गरीब लोग होते हैं, बड़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आते हैं, और इन लोगों को जो है मेन इनको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो इनको जो है ज्यादा पॉलिटिक्स का कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमें वुडवर्ड और रोपर चार और टाइप्स देते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमने जैसे कि देखा कि लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और उसकी अलग अलग टाइप्स क्या है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को खत्म कर लिया है। तो फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नेक्स्ट टॉपिक को लेके, और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक आप सबको धन्यवाद।